Hello, my dear friends. My name is Shiv Kant, and I am telling you something about HP LaserJet MFE 1005W printer. जो है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। जैसे कि ये प्रिंटर है, इसमें वाईफाई कनेक्ट करना है और बाकी सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखते रहिए, अपना भी जो लॉन्च हुआ है नया HP का प्रिंटर है, जो कि वाईफाई के साथ दिया गया है, क्योंकि 1005 का जो प्रिंटर है काफ़ी ज़्यादा चला था, इसके कारण 1005W प्रिंटर जो है लॉन्च हुआ है। देख सकते हैं इसको, अपन पहले एक कनेक्ट कर लेता पावर केबल से। ये अपन पावर केबल से कनेक्ट कर लिया और अपना ये कंट्रोल पैनल पे आ जाते हैं। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद आपको सिंपली करना ये है ना, ये ऑन हो जाए अभी हो रहा है। इसमें आपको देखिए ये एकदम सील्ड पैक है, तो इसको अपन खोले नहीं है। इसके अंदर आप को पाउडर डालने, मतलब कार्ट्रेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पाउडर डालो काम हो जाता है। ठीक है, तो इसके सारे फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप लैपटॉप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो HP सपोर्ट में आप जाकर इसके उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर ले, तो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे काम कर जाएगा। और बाकी अगर आपको वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करना है, तो मैं आपको सिंपली बता दूंगा कैसे वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं। और नेटवर्किंग करना है, तो नेटवर्किंग के द्वारा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल ऐसा हमारे सामने दिख रहा है। इस कंट्रोल पैनल में ऊपर वाईफाई का बटन दिया है, वाईफाई का बटन आप देख सकते हैं अभी ब्लू कलर का लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है। इस वाईफाई को एक बार ऐसे प्रेस कर दे तो ये लाइट यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो आपका प्रिंटर अब हो चुका है डायरेक्ट, जो कि आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कनेक्ट कैसे होगा मैं आप तो देख सकते हैं आप यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ आई का बटन जो है, आई का बटन को एक बार प्रेस करें तो, और पेपर को एक पेज को ऐसे लगा दें प्रिंटर में, तो इसमें से एक प्रिंट निकलेगा जो कि इन्फॉर्मेशन पेज होता है। इसमें आपको आपके प्रिंटर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और यहाँ प्रिंटर का जो पासवर्ड है वाईफाई डायरेक्ट पासवर्ड ये आपको मिल जाएगा, और ऊपर में प्रिंटर का पिन है जो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये अभी आपके काम आएगा। तो आपका प्रिंटर डायरेक्ट हो जाएगा, तो जस्ट उसके बाद आप अपने फ़ोन पे आ जाइए। फ़ोन पे आने के बाद अपना वाईफाई ऑन कर लीजिए। वाईफाई ऑन करेंगे तो आपके सामने एक वाईफाई डायरेक्ट करके एक नेटवर्क आएगा, जिससे आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करते टाइम आपसे जो पासवर्ड मांगेगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन पेज पर पासवर्ड निकला था डैश के साथ, उस पासवर्ड को डाल दें। पासवर्ड को डाल देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद एक बार डिसकनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर दें उसको, और पासवर्ड डैश के साथ ज़रूर डालें। उसको डालने के बाद कोई सी फाइल पर आप जाए, फाइल पर जाने के बाद आप प्रिंट, यहाँ से प्रिंट कमांड दे दें। प्रिंट कमांड देने के बाद जस्ट ये जैसे मैंने प्रिंट मारा, यहाँ से ये वाईफाई नॉट कॉन्फ़िगर बता रहा, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के लिए एक बार वाईफाई को ऑफ़ कर दे और फिर ऑन कर दे, तो आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये यहाँ पर मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर रहा हूँ इस कारण। तो वाईफाई को एक बार ऑफ करके फिर ऑन कर देंगे, तो आपका वाईफाई जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा। फिर कॉन्फ़िगर होने के बाद आपका प्रिंट कमांड लेने लगेगा। अभी देखिए हमारा कॉन्फ़िगर कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद जस्ट आप प्रिंट पेज पर जाइए, जैसे प्रिंट पेज पर चले जाइए। प्रिंट पेज पर जाने के बाद वहाँ से प्रिंट कमांड दे दीजिए, आपका प्रिंट एज इट इज़ निकल आएगा। जैसे आपके प्रिंटर का नाम आ जाएगा, प्रिंटर का नाम आने के बाद यहाँ से प्रिंट पेज आप सेलेक्ट करके दे सकते हैं। देखिएगा ये मेरे प्रिंटर से पेज, अभी कमांड जो निकला था वो कमांड अभी मेरे प्रिंटर से आ जाएगा। ये प्रिंट पेज जो मैंने कमांड किया था, ये प्रिंट अब का बाहर आ चुका है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।